बुद्ध मानवता के सामूहिक बोध का अवतरण है। बुद्ध बोध भी है और बुद्ध शोध भी है, बुद्ध विचार भी है और बुद्ध संस्कार भी है। बुद्ध इसलिए विशेष हैं कि उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिए बल्कि उन्होंने मानवता को ज्ञान की अनुभूति करवाई। उन्होंने महान वैभवशाली राज्य और चरम सुख सुविधाओं को त्यागने का साहस किया। निश्चित रूप से उनका जन्म किसी साधारण बालक के रूप में नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने हमें यह एहसास करवाया कि प्राप्ति से भी ज्यादा महत्व त्याग का होता है। त्याग से ही प्राप्ति पूर्ण होती है। इसलिए वो जंगलों में विचरे, उन्होंने तप किया, शोध किया। उस आत्मशोध के बाद जब वो ज्ञान के शिखर तक पहुंचे तो भी उन्होंने किसी चमत्कार से लोगों को का कल्याण करने का दावा कभी नहीं किया, बल्कि भगवान बुद्ध ने हमें वो रास्ता बताया जो उन्होंने खुद जिया था। उन्होंने हमें मंत्र दिया था, अप्पदीपो भव भिक्खवे, अप्पदीपो भव भिक्खवे, परीक्षा भिक्षवो ग्राह्यं मद वचो न तू गौरवात्। अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो, मेरे वचनों को भी मेरे प्रति आदर के कारण ग्रहण मत करो बल्कि उनका परीक्षण करके उन्हें आत्मसात करो। मैं सर ब्लाइंड हूँ और राष्ट्रीय अंजन मंदिर में मानव सेवा दे रहा हूँ। देखिए आप ये मत कहिएगा ब्लाइंड है, आपको दिव्य दृष्टि है। ओके ओके। और मेरे घर में 6 सदस्य है, 3 बेटी है और वाइफ है और मदर माता श्री है। आंखें बचपन से ही चली गई हैं क्या? ना जी सर, वो लास्ट 15 साल से। मैं सऊदी अरब गया था, वहाँ आंखों का ड्रॉप डाला था तो उसका मुझे असर हो गया, उसके वजह से विजन लो हो गया। अभी डॉक्टर क्या कहते हैं? अभी उसका कोई उपाय नहीं है, ग्लूकोमा हो गया है। तो अभी जो थोड़ा कुछ बचा है 5% वो टिका रहा है। और आपके बेटियों को पढ़ाते हो? हाँ बेटियां पढ़ती है, एक 12 कक्षा में, एक 8 कक्षा में, एक 1 कक्षा में। और जो पहली कक्षा में जो लड़की, अगले साल मैंने उसका भर्ती किया है तो आरती के अनुसार उसका सिलेक्शन हो गया, तो उसका 1 से 8 साल तक सरकार उसके पढ़ाई कराएंगे। अरे वाह। और बाकी 2 बेटियां जो 12वीं वगैरह में पढ़ती हैं, उनका कैसा है पढ़ने में? वो दोनों लड़कियों को भी स्कॉलरशिप मिल रहा है हर साल, जब से आप आए हैं सरकार में तब से स्कॉलरशिप मिल रहा है। कितना स्कॉलरशिप मिलता है? वो उनको बड़ी लड़की को 10,000 रुपया और छोटी लड़की को 8,000 रुपया। तो इन बेटियों ने क्या सोचा है, क्या पढ़ करके क्या करना चाहती है? ये बड़ी लड़की का अभी रिजल्ट आया है, अभी 10 बजे वो 80% आया है, वो डॉक्टर बनना चाहती है। डॉक्टर बनना चाहती है? हाँ जी। है क्या वहाँ आपके साथ बैठी? हाँ, है क्या साथ में? आप हमारे साथ में बैठी है। कौन है बताओ बेटा, क्या नाम है? आप उनको आशीर्वाद दीजिए सर जी। अरे मेरे आशीर्वाद है, क्या नाम बेटा? आलिया। अच्छा बेटा बताइए, डॉक्टर बनने का मन विचार आया? पापा की प्रॉब्लम को देखकर। उसे नहीं बोला जाएगा, वो थोड़ा भावुक हो गई है। भेज भेज, वो थोड़ा भावुक हो गए तो वो नहीं बोल सकेगी सर जी। ऐसा है, बेटी को
बिठाने। नहीं बोले हाँ तो भेज दो। बेटी तुम्हारी ये जो संवेदना है ना, वही तुम्हारी ताकत है। अच्छा आपने सबने वैक्सीन ले लिया क्या याकूब जी? हाँ जी वैक्सीन ले लिया सबने, वैक्सीनेशन करवा लिया याकूब? हाँ जी दोनों वैक्सीन लिया मैंने और लड़कियों ने भी लिया है स्कूल में से। तो इस बार ईद कैसे मनाई, रमजान कैसा रहा? बढ़िया रहा सर जी, बहुत अच्छी तरह से मनाया। हाँ सबसे मनाया। तो ईद में बेटियों को क्या दिया? ईद में उनको पैसा दिया तो कपड़े लाए और उनके जरूरत की चीजें लाई। अच्छा देखिए ये बेटियों का सपना पूरा करना। हाँ जी हाँ जी सर जी। हाँ और कुछ कठिनाई हो तो मुझे भी बताना। ठीक है सर जी ठीक है। देखिए मैं अयूब जी आपका और आपकी बेटियों का विशेष अभिनंदन करता हूँ। तो पहले तो आपने वैक्सीनेशन लगवा दिया, रमजान भी बहुत बढ़िया से मनाया, ईद भी बढ़िया से मनाई और सरकार की तरफ से जो मदद आपको मिल रही है उसका आप सदुपयोग कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। आप अपने शारीरिक जो पीड़ा है उसको शक्ति में बदल रहे हो और बेटियों को डॉक्टर बनाना और बेटी के मन में विचार आना कि पिताजी की इस पीड़ा ने मुझे डॉक्टर बनने की प्रेरणा दी। अरे साहब भरूच थी दिल्ली तो घणो दूर छे 1100 किलोमीटर पर त्यां बैठा बैठा पर तमे अमारी चिंता करो छो ते बदल घणो धन्यवाद आपू छो आपने। અને હું તમને જોઈ શકતો નથી પરંતુ તમે દેશની સેવા દેશના દેશવાસીઓ માટેના વિકાસના કાર્ય કરો છો તેની સુગંધ મારા અંતરાત્મામાં આવે છે જે બદલ આપનો ખૂબ ધન્યવાદ કરું છું।